लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत अच्छा होना चाहिए। अरे तूने अभी तक कपड़े नहीं पहुंचे, जा जल्दी जा, तुम मेरे साथ चलो, ठीक से लगाना भैया। चलो देखो, अरे यार आप लगवाइए ना। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तुम लोगों ने कुछ खाया? नहीं। अरे रामू इन लोगों के लिए कुछ लाओ। जरा देखना मिठाइयां है कि नहीं, और तू जरा रसोई में देखना। अरे आप अभी तक यही है? घबराओ नहीं शोभा, इंटरनेशनल फ्लाइट के बाद एयरपोर्ट से निकलने में टाइम तो लग ही जाता है, बस अभी गया और अभी आया। वेलकम सन, यू लुकिंग गुड। चंदू आराम से आराम से। कैसा है? चलो यार, मम्मी कैसी है? बहुत अच्छी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वक्त है तेरे आने का? जब बारात आ रही हो, फ्लाइट डिलेड हो जाती तो? अरे वाह माँ, हिंदुस्तान के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर एंड मिसेस दिग्विजय का इकलौता बेटा करण, अगर प्लेन से सफर कर रहा हो तो मेरे घर वालों की हिम्मत है कि वो उसे डिले कर दे। बस बस चल। क्यों डैड, चलो बेटे। कैसी हैं दुल्हन जी? आराम से आराम से, बॉन्ड सीट का कोड है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अपनी मैंने देखा आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? सॉरी मेरी प्यारी बहन, लेकिन अब बात हो गया ना, अगर आप देर करेंगी तो आपके दुल्हन भाग जाएंगे। क्यों बात, ओम भूमाय नमः इदम् भूमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः इदम् बुधाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवाय नमः इदम् गुरुवाय नमः स्वाहा। हेलो रायबाज, हेलो हेलो हेलो, ये है हमारा खास दोस्त माधव सर। अरे जीती रहो बिटिया, जीती रहो। नमस्ते भाभी जी, बहुत बहुत मुबारक। फोटो फोटो किधर है? कमर ऐसा, हाँ चलो फोटो। थैंक यू यार राय बहादुर, मजा आ गया। मुबारक हो। शुक्रिया माधुर, शुक्रिया। लगता है आज सारी खुशियां सिमट कर एक ही लम्हे में तुम्हारे घर में आ गई। वो कैसे? अरे यार कल ही तो तुम्हारा बेटा अमेरिका से फर्स्ट क्लास एमबीए की डिग्री लेकर आया है। हाँ। आज बेटिया की शादी हो रही है। वो तो है। होटल का कारोबार शानदार चल रहा है, इसके अलावा और किसी को क्या मिल सकता है? बस अब देखते जाओ आगे क्या होता है। अब तो करण भी मेरे साथ है। भाभी आप और आए हांगकांग कब आ रहे हैं? क्यों, आपका ग्रैंड होटल देखने के लिए? आप अगर देखिए तो सही, इस खाकसार ने वहाँ क्या क्या गुल खिला रखे हैं। आएंगे आएंगे, अब तो बेटी की शादी हो चुकी है और करण की शादी होने तक हमें और करना ही क्या है, घूमना फिरना मजा करना। अरे गोवर्धन, तुम्हारा गिलास तो खाली दिख रहा है, भरवा दो। इसका भी बंदोबस्त करता हूँ। दोस्त आज के इस पार्टी में हर स्टेट की और हर साइज की लड़कियां आई हैं, एक भी पसंद कर ले अपनी शादी के लिए। नहीं यार, मुझे तो यहाँ पर एक भी ऐसी नजर नहीं आती जो दिल को और नजर को सैराब कर सके। अच्छा तो बता कि तुझे कैसी लड़की पसंद है? यार चंदू, लड़की ऐसी होनी चाहिए थोड़ी सी नमकीन, थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी, रंग ऐसा कि चांदनी के उजाले में जैसे थोड़ा सा शाम का अंधेरा शामिल हो। ये तू लड़की डिस्क्राइब कर रहा है या खाने का बिस्किट? अरे लड़की भी ऐसी होती है, नमकीन मीठी है। नहीं नहीं ऐसी नहीं होती, लेकिन अगर मिल गई ना तो एक ही नजर में पहचान लूंगा। खूबसूरत ठीक चल रहा है ना माथुर साहब?
अरे भाई हम तो बहुत बढ़िया हैं। और मेहमानों का ख्याल करो। गो हेड गो हेड, लुक आफ्टर देम, लुक आफ्टर देम। मैंने इसको पहले भी बोला था, तू है ना, ऐसी कोई बात नहीं। रंगी हसीन रात हो, दिलदार यार
तुम्हारी माँ का फोन है। माँ का फोन? ऐसी लड़कियों की भी माँ होती है? और ये देखो, राय साहब का बेटा भी उसे ऐसे बता रहा है जैसे किसी शहजादी के लिए फोन है। यहाँ। हेलो लैला, मैं बोल रही हूँ। हाँ माँ बोलो। मुझे मुझे एक जरूरी बात करनी है। बोलो माँ क्या बात है? हो सकता है तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले मेरी सांस टूट जाए, इसलिए सभी कुछ अभी बताना जरूरी समझती हूँ। बोलो माँ ऐसी क्या जरूरी बात है? मैं तेरी माँ नहीं हूँ। नहीं माँ नहीं, ऐसा मत बोलो माँ। इस झूठ के साथ जी तो गई बेटी, पर मरना मुश्किल हो गया है। मुझे मुझे माफ कर दो मुझे। माँ माँ अब मेरी माँ नहीं है तो कौन है मेरी माँ? कौन है मेरी माँ? कौन है मेरी माँ? कौन है मेरी माँ? घबराओ नहीं, तुम जाने की तैयारी करो, मैं सारा इंतजाम करता हूं। ओके सी यू, गुड नाइट। चंदू चंदू यहां लखनऊ के लिए दो टिकट ले आओ। लखनऊ कौन जा रहा है? तुम और मैं। पर वहां पर कौन है यार हमारा? जो ज्यादा सवाल मत करो ना प्लीज, जाओ टिकट ले। आहा, वतन है लैला का, अपना दोस्त गया काम से। गुड वेरी गुड प्लीज। ओके ओके। आदाब, आइए। शुक्रगुजार हूँ, पूरे 25,000। लैला और क्या? लैला रुको। हाँ भाई वो एक फिजूल में तू उस बुढ़िया खुसत के लिए मातम मना रही है? उसने तुझे क्या दिया? कोठा, घुंघरू, बाजार और पान चबाते हुए अय्याश आदमियों के सिवा तुझे क्या मिला? एक बात बताओ, पहले तो तुम उसकी बहुत चमचागिरी किया करते थे, आज की उसकी बुराई कर रहे हो। हम तो चमड़ी की चमचागिरी करते हैं, चमड़ी ढीली हुई और पकड़ी पतली गली। निकल जाओ यहां से। मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए कि जहां धंधा है वहां ये बंदा। कौन सा धंधा? वही जो कभी मंदा नहीं होता और जो तेरी माँ किया करती थी, बदन बेचने का। खबरदार जो इस धंधे का मेरे सामने कभी नाम भी लिया।
मैं खुश नसीब हूँ कि वो मेरी माँ नहीं थी। तो भी क्या फर्क पड़ता है, कसाई के घर का पाला हुआ बकरा कभी स्कूल का टीचर नहीं बन सकता। तू मेरी सुन, फटाफट धंधे पे लग जा। जलील कमीने, भाग जा ऐसे। कोठे के दल्ले नहीं भागते, आशिक भागते हैं। मेरे लिए कोठा नहीं, वो कब्र है जिसमें मेरे बचपन को दफना दिया गया। कब्र के पास दल्लों का क्या काम? जाओ जिंदा गोश्त तलाश करो। अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या? अरे मुंबई चली गई तो अपने आप को क्या हीरोइन समझ बैठी है? क्या नाम है तुम्हारा? यही रहती है? अच्छा मैंने 25,000 प्रेम को एडवांस दिया और 25,000 अपने साथ में लाया हूं। खुश कर दोगे तो इनाम भी दो। अरे ये क्या कर रहे हो? मजाक मत करो भाई, मैंने एडवांस दिया है एडवांस। दरवाजा खोलकर जल्दी से भाग जाए ऐसे, वरना तेरी खोपड़ी का रोशनदान बना दूंगी। ए, क्या कर रहे हो? भाग जाए ऐसे। जाता हूँ भाई। ये प्रेम ने मुझे कहाँ फंसा दिया। क्यों पीछे रहते? बोलो तुम कितने की बोली लगाने आए हो? नहीं मैं इसलिए नहीं आया लैला। झूठ बोलते हो तुम। पैसों के बल पर जवान जिस्मों को नचाने वाले पाप की औलाद, अगर पैसों से तुमने बदन खरीदना चाहा तो इसमें झूठ क्या है? नहीं ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते पर माँ बाप चले उसी रास्ते पर औलाद भी चले। लैला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये वो मोहल्ला है जनाब जहाँ हर एक ने बात हजारों बार सुनी है और हर बार झूठ निकली है, इसीलिए हर तवायफ दल्ले से ज्यादा प्यार के शब्द से नफरत करती है। दफा हो जाए यहाँ से। सुनो लैला, मैं तुम्हें एक दिन ये विश्वास दिलाकर ही रहूंगा कि मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। किससे प्यार करते हो? तुमसे। मैं कौन हूँ? लैला। लैला कौन? कौन है लैला? क्या है उसकी पहचान? यही क्यों कोठे वाली है ना, वो एक कैबरे डांसर है, वो एक नुमाइश की चीज है, एक खिलौना है, दुकान है। इन्हीं चीजों से दुनिया मेरी पहचान करती है ना। नहीं चाहिए मुझे पहचान, नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। अब मैं समझ गया लैला कि क्यों उस दिन तुम बार बार फोन पर पूछ रही थी मेरी माँ कौन है। क्यों ना पूछू, एक औरत के लिए पहचान बहुत जरूरी है कि वो किसकी बेटी है, उसने किसकी कोख से जन्म लिया है, उसकी माँ कौन है, उसके बिना एक औरत का वजूद क्या है, उसकी औकात क्या है। सर पर छत हो ना हो, पाँव के नीचे एक जमीन का टुकड़ा तो चाहिए। नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। लेकिन करण तुमने आज उसमें से कौन सी खूबी देखी जो तुम्हें प्यार हो गया? यार सब लोग उसे एक तवायफ के रूप में जानते हैं। बस यार तू मुझे बता, एक तवायफ किन चीजों के लिए तड़पती है? कीमती कपड़े, जेवर, दौलत, बस इन्हीं सब के लिए ना? हाँ। लेकिन आज मैंने उसे मां के लिए तड़पते हुए देखा और उस वक्त वो सिर्फ एक बेटी लग रही थी, बस एक ऐसी बेटी जो इस दुनिया के मेले में अपनी माँ से बिछड़ गई हो। यार चंदू मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं उसको उसकी माँ से मिला सकूं।
कुछ तो करूं ना मैं उसके लिए इस मामले में। इसलिए मैं अब तक इन अड्डों पे घूम रहा हूं कि शायद कहीं पर कुछ। क्या बोला? अरे सेठ क्या बात कर रहा है? क्या तुमको बोला ना? क्या बोला? बोला ना क्या? यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अरे जब काम ही नहीं हुआ तो हमने जो तुमको 25,000 रुपया एडवांस दिए हैं वो आज मैं तुमसे लेके ही जाऊंगा। देखो यहाँ दमड़ी के बदले चमड़ी मिल सकती है, दमड़ी वापस नहीं मिलती। क्यों नहीं मिल सकती? प्रेम सुन ले, लैला के बदले कोई और पसंद कर ले। मुझे सिर्फ लैला चाहिए, लैला और कोई नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ लैला चाहिए, सिर्फ लैला। अरे अरे क्या बात करता है, लैला को पाने के लिए जिगर भी तो मजनू को आना चाहिए क्यों भाई? तू तो लैला के यहाँ से तुम दबा कर भाग आया। रुपए नहीं दिए तो मैं देख लूंगा तुमको। ए, देख लेने की धमकी तवायफ कर लेना, हम तवायफ नहीं दल्ले हैं, हम तो उल्टा सबको देख लेते हैं। जाओ हमसे ना उलझो, जाओ। अरे जाना। अरे जा रहा हूँ लेकिन तुमसे पैसा वसूल करके रहूंगा। तुम समझता क्या है अपने आप को? मैं तुमको देख लूंगा। एक सवाल के जवाब का 10,000। बोलो लैला को कब से जानते हैं? मैं तो लैला को तब से जानता हूं जब से ये बाजार उसे जानता है। उस वक्त वो सिर्फ 3 साल की थी। और उससे पहले वो कहां थी? जन्म में। और आगे कुछ नहीं बताने वाला, चाहे कितने भी रुपए दो। टल्ले और पिल्ले के साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए, अगर बात से ना माने तो लात मारनी चाहिए। बता दे, सब बता दे, हमको मारना मान। देखो जब यह लैला 3 साल की थी तब हम इसे चुरा लाए थे और दुलारी भाई के हाथ 500 रुपए में बेच दिया था। सिर्फ 500 रुपए के लिए एक बेटी को उसकी माँ से जुदा कर दिया? अरे हम तो 1,000 मांग रहे थे, दुलारी भाई ने सिर्फ 500 दे दिए। क्या बोला बदतमीज, कहां से लाए थे आप? कौन इसकी माँ बताओ? चोर जब माल पकड़ता है तो उसे तिजोरी थोड़ी याद रहती। देखो जिस मकान से इसको चुरा लाया था उसका पता बता सकता हूँ, लिखिए। अबे लिखिए नहीं, चलिए चलिए दिखाते माँ। मुझे माँ कहा तूने? हाँ फिर से कहो। माँ तूने मुझे माँ कहा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अपने औलाद के मुंह से माँ सुनने का सुख कुछ और होता है। मैं हूं ना आपकी अपनी बेटी। मेरी बेटी? मेरी कोई बेटी नहीं, इसलिए तो मन की शांति के लिए मैं ये अनाथ आश्रम चलाती हूँ। तो क्या
तो क्या मैं अनाथ हूं? क्या नाम है तुम्हारा? लैला माँ जी। लैला? जी हाँ, 18 साल पहले ये आदमी इसे यहां से उठाकर ले गया था। 18 साल पहले? जी। बेटे जरा आराम से कहना, पुराना एल्बम लाए। जी। साल पहले यहां से एक लड़की घूम तो गई थी, कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन उसका नाम सितारा था, लैला नहीं था। लैला नाम तो इसका दुलारी भाई का दिया हुआ है। हाँ, तुम्हें रजिया लाई थी यहाँ। ये लॉकेट तुम्हारे गले में था जो मैंने निकाल कर रख दिया था, लो। हाँ हाँ, अच्छी तरह से याद है ये लॉकेट मुझे, अच्छी तरह से याद है। इसे खास तुम्हारे लिए बनाया था उन्होंने। उन्होंने? हाँ, उन्होंने, उन तीनों ने। तीनों ने? उन्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है। माशाल्लाह, वो क्या लड़कियां थी, आसमान पर उड़ते पंछी की तरह आजाद, तितलियों की तरह खूबसूरत, जंगली हिरनों की तरह शोह और चंचल। परखा का साइकिल पर सवार होकर अपने आशिक से मिलने जाना, लगता है साइकिल का तुम्हारे बचाने में एक खास मकाम है। जब देखो तब मकाम मकाम करती रहती है। अगर मेरे रोमांस में तेरा मकाम बीच में आ गया ना, तो तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी। इस नाचीज को एक अदद आशिक दे दिया और एक हम है कि सुलग रहे, कोई पूछता ही नहीं। अरे पूछेगा ही नहीं, गश खा के गिर जाएगा। एक बार सामने तो आ जाने दो उसे हमारे। अरे अरे, मेरी साइकिल की चेन उतर गई। रुको, अरे परखा रुको ना। अरे मैं नहीं रुक सकती, मुझे देर हो रही है, तुम लोग आ जाओ। देखो ना, मेरी साइकिल की चेन उतर गई। देखो ऊपर से चेन भी उतर दी। अरे देखो ना, मैंने कोई ना गिराई है। मैडम, अगर आपकी साइकिल पर प्रॉपर लैंडिंग फैसिलिटी होती ना, तो आज मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में होता। आप बिगड़ रही हैं, बिगड़ना तो मुझे चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से मेरा चांस मिस हो गया। अरे तुम्हें अपनी चांस की पड़ी है, मेरी जान चली जाती तो? वाह, आपको अपनी जान की पड़ी है, और आपने जो मेरी जान ले ली है उसका कुछ नहीं। अरे तुम्हारी जान को क्या हुआ है, हट्टे कट्टे तो हो। उनके देखने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। अजी मोहतरमा, आधी जिंदगी आपकी आरजू में कट गई और आधी आपके इंतजार में कटी जा रही है। वादा करके आती ही नहीं हो? आई तो हूं। अगर आई हो तो कुछ प्यार की बातें करो, झगड़ा क्यों कर रही हो? सुनिए, झगड़ा तुम करते हो या मैं? पॉइंट नंबर वन, यू हैव नो बिजनेस टू बिहेव लाइक दिस। तुम्हें चुप कराने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो तुम दोनों यहाँ आओ, और मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते आगे निकल गई थी। ओ, हाँ सुनील, हमेशा चाल देते हो, आज तो हम ग्लाइडिंग सीखेंगे। अरे कबाब में हड्डी एक नहीं, दो दो। क्या 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 बोला? नहीं नहीं, मैंने कहा हुक्म, चलिए सिखा देते आज। चलो आइए। अरे तुम, 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 अर
मिल गया, अब सुलगने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? आई देखना क्या शहजादा लगता है, नवाब लगता है, बस सिर्फ शेरवानी में एक फूल की कमी है। कनीज हाजिर है। अरे ये तो तेरी बिरादरी का है, अगर आपको है हिम्मत तो जाकर अपनी शायरी उसे सुनाइए। तो चैलेंज चैलेंज चैलेंज, तो अभी उसे शीशे में उतार कर आती हूँ। सुनिए, ऐसा लगता है आपको कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, मैं आमतौर पे आता जाता रहता हूँ। यहाँ नहीं, बाहर कहीं। शक्ल तो आपकी भी जानी मानी लग रही है कुछ। है ना, वो नुक्कड़ पे पान की दुकान है, वो आपकी है ना? मैं पान खाता हूँ लेकिन वो पान की दुकान मेरी नहीं है। अच्छा, वो समझ आया, वो लेडीज टेलर। आप कपड़े बहुत अच्छे सीते हैं। मोहतरमा, आपको गलत फहमी हो रही है। वो आप शेर, आप शायर है ना? हाँ, मैं एक आध बार शेर तो कह लेता हूँ। अकरम इलाहाबादी है मेरा नाम। मुझे भी शायरी का बहुत शौक है, फिर तो हमारी अच्छी मिलेगी। आप मुझ पर एक शेर कहिए ना। अभी नहीं, मुझे जरा जल्दी है, मैंने जाना है, फिर कभी सही। सुनिए, आप ये लड़कियों के कॉलेज में क्या कर रहे हैं? यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं मिसेस बेग, उनसे मुझे कुछ काम है। फिर तो आपका काम हो गया, बड़ी खड़ूस औरत है। वो मेरी वालदा है जी? अच्छी है, अच्छी। मैडम, आपने कभी आज तक पोलो मैच देखा है? एक बार नहीं, कई बार। ये राजा और बादशाहों का खेल है। गर्ल्स, खेल के दौरान में कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना, क्योंकि प्रिंस ने खास तौर से हम लोगों को वहाँ इनवाइट किया है। हमने रिक्वेस्ट किया था तब उन्होंने परमिशन दी, और जो इतना शरीफ हो उसके साथ शराफत से पेश आना, खास तौर से आप लोग याद रखना। यस मैम। तुम्हें क्या लगता है प्रिंस कैसा लगता होगा, तुम बताओ? मेरे ख्याल में उसके सर पे ताज, पगड़ में तलवार, यहाँ से लेकर यहाँ तक जेवर में लखपत, बड़ी बड़ी मूछों वाला सफेद घोड़े पर सवार होगा। हाँ, आज का ये मुकाबला प्रिंस अर्जुन सिंह और रघुवीर सिंह के बीच होने जा रहा है। ये देखना है कि ट्रॉफी कौन जीतेगा। अब ये मैच शुरू होने जा रहा है और ये पहला चक्कर शुरू हो गया। आज के दिन 40,000 के करीब लोग यहाँ शामिल हैं और प्रिंस अर्जुन सिंह लगातार गेंद को अपने काबू में रखते हुए गोल की ओर बढ़ रहे हैं। प्रिंस के घोड़े की रफ्तार और उनके हाथों के इशारे से ऐसा लगता है कि गोल होने ही आ रहा है। रघुवीर सिंह बहुत तेजी से अर्जुन सिंह की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये देखना है कि रघुवीर सिंह गेंद को अपने काबू में रख पाएंगे कि नहीं। अब प्रिंस ने गेंद को बहुत खूबसूरती से गोल गोल की ओर मारा। रघुवीर सिंह मैच चल रहा है, निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। आसमान बहुत साफ दिख रहा है। आज का मैच इस खेल के लिए बहुत ही अच्छा है। इस मैच के जीतने वाले को 3,00,000 रुपए का ट्रॉफी मिलेगा। अम्मी, मुझे प्यास लगी है। तो हम क्या करें, जा पानी पियो। सब्री से इंतजार करते हैं और ये फिर से प्रिंस ने गेंद को रघुवीर सिंह से छीन कर अपने काबू में कर लिया है। इस मैच को देखने मियां, तुम यहाँ खेल देखने आए हो कि हवा खोरी करने? मैं समझा था कि तुमने मुझे बुलाया है। आपको खुशफहमी हुई है तो मैं क्या जाऊँ फिर? नावल शर्मा जी, जो हमने कहा उस पर गौर मत कीजिए, जो हमने नहीं कहा उस पर गौर फरमाइए। Ha ha ha!
थैंक यू। बड़का वो कितना हैंडसम है, मैं तो एकदम पागल हो रही हूँ। अरे भैया हटो हाँ, और मेरे साथ उसकी एक फोटो भी लेना। एक्सक्यूज मी हाँ प्रिंस, ये मेरी फ्रेंड है राज। हाय। हेलो। लेकिन आपने अपना परिचय नहीं दिया। मैं बड़का हूँ, राज की सहेली। वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं। आप भी बहुत खूबसूरत हैं। बोला। I'm sorry. कह रही थी कि प्रिंस इतना हैंडसम है, इतना स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। बोलो। आप बहुत अच्छा पोलो खेलते हैं। थैंक यू। आप पोलो क्यों खेलते हैं? मैं पोलो क्यों खेलता हूँ? मैं पोलो इसलिए खेलता हूँ कि हाँ मेरे पास घोड़ा है। ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ एक्सक्यूज मी ऑटोग्राफ प्लीज। श्योर। क्या बात है? मैं ऑटोग्राफ दूँ कहाँ? ओह पेपर यहाँ यहाँ। अरे मारा गया गरीब। कौन? वही जिसके हाथ में इनका हाथ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाथ की लकीरें कह रही हैं। राज के दिल पर जो राज करेगा वो कोई गरीब नहीं, राजकुमार होगा। आपका पेन। थैंक यू। मे आई हैव अ फोटोग्राफ प्लीज आप दोनों का? श्योर। वहाँ दैट्स बेटर। आइए। थैंक यू। आइए ना। पास आना आना। ओके ओके। स्माइल प्लीज। थैंक यू थैंक यू। आपका घोड़ा बहुत अच्छा है। हाँ वो तो है। क्या मैं इसे चला सकती हूँ? देखिए मैं तो मान जाऊंगा लेकिन शायद ये नहीं मानेगा। मुझे राइडिंग आती है। ओके अगर आप जिद करती हैं तो आपके रिस्क पर। जाइए। थैंक यू वेरी मच। राज चलिए राज। अरे आई हूँ मैं। राज गिर जाएगी, पागल हो गई है। राज हेलो। राज राज क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? ओह योर हाइनेस आई एम सो सॉरी। आई होप ये लड़की आपको परेशान नहीं कर रही। जी बिल्कुल नहीं। इट वाज अ प्लेजर। दे आर वेरी वेल ब्रॉट अप गर्ल्स। थैंक यू। कम ऑन गर्ल्स चलो बाय बाय। हमारे पास कंप्लेंट आई है कि तुम लोग बाहर लड़कों से मिला करती हो। नो मैडम। यस मैडम। लेकिन इसमें बुराई क्या है? बुराई तो कुछ नहीं है लेकिन आप लोग कार चलाना जानती हैं? यस मैडम। जी आप लोग क्या ऐसी कार में सवार होना पसंद करेंगी जिसमें ब्रेक ना हो? जवानी भी ऐसी ही कार है जिसमें ब्रेक नहीं होता। अब सोचिए ऐसे में एक्सीडेंट होना कितना आसान है। लेकिन मैडम आज तक हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया। आज गलत नहीं किया लेकिन कल तो गलत हो सकता है और हमें आपके आज और कल दोनों की फिक्र है। राज। यस मैम। आपके डैडी आए हैं। डैडी? हाँ वो आप तीनों को क्रिसमस वेकेशन के लिए बाहर ले जाना चाहते हैं। आप जा सकती हैं लेकिन हमारी वो ब्रेक वाली बात मत भूलिए क्योंकि खता एक पल की होती है लेकिन उसकी सजा सालों साल तक भुगतनी पड़ती है। जी। यस मैम। अब आप जा सकती हैं। थैंक यू मैम। मैम। आदाब। जीती रहो। पता नहीं किस उम्र की पट्टी ने हमारी कंप्लेंट। अरे वो सारी लड़कियां हमसे जलती हैं। हाँ। जलन का भी मोहब्बत में एक खास मकाम है। शट अप। यू नीड टू बी चेयरशाय। हां बेटे। बरका बेटे मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। तुम्हारे डैडी को एमएलए का टिकट मिलने वाला है। बेटे सलमा तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। बेटे चलो कार इंतजार कर रही है। चलो चलो चलो।
भगवान करे इसमें से कोई शानदार रॉयल पर्सनालिटी उतरे। अरे पागल, इन कपड़ों में कहाँ भाग रही है? ऐसे थोड़ी न जा सकती है, बिल्कुल भूतनी लग रही है तू। तो क्या? अरे अभी तो तुझे सजाएंगे, तुझे प्रिंसेस बनाकर भेजेंगे। आइए आप अपने घर को गौर से देख लीजिए, क्योंकि मैं आपके घर से बहुत कीमती चीज ले जाने आया हूँ। अरे भाई तशरीफ तो रखिए पहले। जा बहारों की मलका, आज तेरा शहजादा पर कटे पंछी की तरह तेरे कदमों में गिर पड़ेगा। मैं कैसी लग रही हूँ? हाय मल्लिका शहजादा, क्या सीन होने वाला है? अरे तेरा भी सीन जमा दियो यार। आपसे जो घोड़ा मैंने लिया था वो रेस जीत गया है भाई। ऐसा है कि आप जब भी हमसे सौदा करेंगे यकीनन फायदे में रहेंगे। मैं इंसानों को पहचानने में गलती कर सकता हूँ, लेकिन घोड़ों को नहीं। मैं घोड़ों को पहचानने में गलती कर सकता हूँ, इंसानों को नहीं। वैसे मैं आपके यहाँ एक अरबी घोड़ी है, उसी सिलसिले में बात करने आया था। पापा? अरे आओ बेटे आओ, अच्छा हुआ तुम आ गई। प्रिंस मेरी बेटी से मिली है। हाय। नमस्ते। मैं इनसे पहले मिल चुका हूँ पोलो के मैदान में, तब ये पता नहीं था कि ये आपकी बेटी है। तो आप मिल चुके हैं पहले, बड़ी अच्छी बात है। आप दोनों बातें कीजिए, मैं भी हाजिर हुआ। हेलो, एक बोसा देना। बोसा? क्यों एक स्टुपिड? आज मैं थक सा गया हूँ कुछ। अरे जंगली, मैं सलमा बोल रही हूँ। बोलो। तेरे बिन दिल उदास है, मुझे तेरे जलवों की प्यास है। वाह। सो तो है, सो तो है। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें मुझसे? हाँ है, है। तो फिर बोलो ना, तुम्हें मुझसे प्यार है? हाँ मैं प्यार करता हूँ। सभी अपनी माँ से प्यार करते हैं। माँ? मैं भी करता हूँ। तेरी माँ बीच में कैसे आ गई? वो तो शुरू से है भाई। ये कौन पूछ रहा है हमारे बारे में? माँ वो इकबाल। ओ इकबाल। हाँ भाई। इकबाल क्या? इकबाल। अच्छा तो बेटा इकबाल, आपकी अम्मी जान आपसे प्यार नहीं करती क्या? लो उसने तो फोन ही बंद कर दिया। वो अम्मी वो ऐसा है कि उसकी उसकी माँ सौतेली है। अच्छा बेचारा। बेचारा। मैं तुम्हारे पिताजी से कुछ मांगने आया हूँ। चीज कीमती है? हाँ कीमती तो है, वो मुझे ना भी कर सकते हैं। जानदार है या बेजान? जानदार, उन्होंने उसे बड़े बड़े नाजों से पाला है। हाँ मैं समझ गई, आप उस अरबी घोड़े के बारे में बात करने आए हैं ना, जिसकी आंखें बादामी है। बादामी या अमरनाइस। और बालों को छुआ तो ऐसे लगता है जैसे रेशम। रेशम रेशम। हाथ लगा तो ऐसे लगता है जैसे मखमल को छू दिया हो। अरे मैंने आपके हाथ पर अपना नाम लिखा था, आपने मिटा क्यों दिया? शायद कच्ची स्याही से लिखा होगा, मिट गया। इस बार ऐसी पक्की स्याही से लिखूंगा कि मिटाए ना मिटे। मैं हूँ इश्कबाज नजरबाज हवाबाज। Yes, Captain, coming, I'm coming। हुस्न अता बिजली घटा सब मेरे हमराज, शहर शहर नगर नगर पाँव के नीचे, आ दिल पर जाने जिगर आ मेरे पीछे, पंख बिना ही मैं तुझे परी बना दूँ, चंद्रनगर की चलकर सैर करा दूँ, उड़ते हुए मुड़ते हुए मस्त हवा में, फलक फलक धनक धनक बिखर फिजा में,
मैं हूँ इश्क बाज मगर तू मेरी हमराज है। तुझसे सजी है मेरे आदमा की महफिल, कितना मैं चाहूं तुझे कह नहीं सकता, तुझ बिन एक पल रह नहीं सकता। तुझको पाने के लिए मरता है दिल मेरा, और मिलूं तुझसे तो डरता है दिल मेरा। मस्ताना बन के अगर लहराऊंगा, गिरूंगा मैं ऐसा के संभल नहीं पाऊंगा। पहले ही मैं तो परेशान हूँ मेरे दिल पर, मुझको सताना नहीं इतना मचल कर। मेरी मजबूरी को समझ जरा जाने मन, मेरे पीछे पड़ी एक प्यार की दुश्मन। मेरी मजबूरी को समझ जरा जाने मन, मेरे पीछे पड़ी एक प्यार की दुश्मन। Yeah.
to you. Happy birthday, dear Arjun. Happy birthday to you. दोस्तों, आज की सालगिरह मेरे जीवन में खास मायने रखती है। इस साल मेरी वीरान जिंदगी में प्यार और दोस्ती के फूल खिले हैं और आज वो फूल इस महफिल में है। चीयर्स। चीयर्स। क्या हुआ, आप लोग शैंपेन नहीं पी रहे? हम लोग शराब नहीं पीते। अरे ये शराब नहीं, शैंपेन है। इसे खुशी के मौके पर पिया जाता है। आज मेरे पैदा होने की खुशी में आप लोग शैंपेन नहीं पियेंगे? बचपन और जवानी के बीच एक अनदेखी दहलीज होती है। शैंपेन का ये ग्लास उस दहलीज को पार करने में मदद करेगा। कम ऑन, चीयर्स। चीयर्स। कोई तोहफा नहीं दिया। आप कह रहे प्रिंस, भला मेरे पास ऐसा क्या हो सकता है जो मैं आपको दे सकती हूँ? दे सकती हूँ। रुको, ये क्या कर रही हो सलमा? तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुगल-ए-आज़म का सीन हो रहा है। तुम सलीम हो, मैं अनारकली बैकग्राउंड में तानसेन गा रहा है। आओ। कोई आ तो नहीं जाएगा? सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि तुम वो सलीम हो जिसने अनारकली के लिए अपने बाप से बगावत की थी। तुम पूछोगे नहीं मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूं? जानती हूं। क्या जानती हो? कि तुम्हारे मन में चोर है। चोर कैसा? जो मुझे मुझसे चुराना चाहता है।
इरादा क्या है? चोरी होने का। सनी, आई लव यू। आई लव यू टू। अब हमें जाना चाहिए। तुम सचमुच जाना चाहती हो? अगर आप जिद करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। क्या करेंगे? अबॉर्शन? डॉक्टर का कहना है कि अबॉर्शन के लिए बहुत देर हो चुकी है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? कुछ सोचते हैं। हम सब उससे बात क्यों नहीं कर लेते जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं? उससे बात करके क्या होगा? यही कि उसे कहेंगे कि शादी कर ले। अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर उसका सर फोड़ दे। ऐसा बात कर। और अगर उसकी कोई सच्ची मजबूरी हुई तो? जैसे? हो सकता है उसकी शादी कहीं और तय की गई हो। फिर तो सचमुच मुसीबत में फंस गए। जो तकदीर में लिखा हुआ होता है वही होता है। अब ये सोचो कि जो पैदा होने वाला है उसका क्या करना है। सीधी सी बात है, जब हमने आपस में फूल बांटे हैं तो दाग भी बांट लेंगे। दोस्ती का तकाजा तो यही है। फिर तो ऐसा किया जाए कि जो भी पैदा होने वाला है उसके लिए हम तीनों ही मां बन जाएं, ताकि वो अपने आप को बदनसीब नहीं खुशनसीब समझे कि उसकी एक नहीं तीन तीन माएं हैं और किसी के माथे पर दाग भी ना लगे। तो ये वादा पक्का? पक्का, बिल्कुल पक्का। वार्डन साहिबा, आदाब। अरे सलमा, अचानक यहाँ कैसे? बस यूँ समझ लीजिए कि मोहब्बत में बंधे हुए खींचे चले आए। या फिर कोई जरूरी काम ले आया। आप फौरन दिल की बात कैसे समझ लेती हैं? कभी मैं भी तुम्हारी उम्र की थी। हाय 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 हाय, क्या दिन थे वो जवानी के। एक दिन यूं हुआ कि मैं आप तो माशाल्लाह अभी भी बहुत खूबसूरत हैं। खूब मस्का लगा रही हो, जरूर कोई खास काम है आज। ये रखिए, 10,000 हैं और पैसों की जरूरत पड़ेगी दे दूंगी। लेकिन किस लिए? यहाँ बहुत सारे प्राइवेट बंगलोज हैं, है ना? है। क्या है कि आप एक साल के लिए किसी एक बंगले को अपने नाम पर बुक कर लीजिए। हाँ? लेकिन क्यों? हनीमून मनाने के लिए? मेरे नसीब में वो कहाँ, मून तो बादलों में छिप गया और हनी किताबों के दीमक चाट गए। वाह क्या बात है। बात ये है कि कॉलेज के इम्तिहान एक महीने के बाद खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं उस बंगले में रहकर जर्नलिज्म का कोर्स पूरा करना चाहती हूँ, फिर घर जाऊंगी। वो चाल थी सलमा की, जबरदस्त चाल। प्राइवेट बंगलो उन तीनों ने मिलकर बुक किया था ताकि तुम्हें जन्म दे सके। तो क्या सलमा मेरी माँ है? वो मैं नहीं जानती, कोई नहीं जानता। जिस होशियारी से उन तीनों ने ये काम किया कोई जान भी नहीं सकता था। उनको जो करना था उन्होंने किया, मगर उसकी सजा मैं काट रही हूँ। फिर क्या हुआ? इम्तिहान खत्म हो गए, कॉलेज बंद हो गया, मगर वो तीनों यही थी। I don't know.
का। तुम्हारे खर्च के लिए बराबर रुपया भेजती रही, तुम्हारा हालचाल पूछती रही, कागज के टुकड़े तो भेजती रही। क्या खुद कभी आई मुझे मिलने? लेकिन ये आपके पास से अनाथ आश्रम कैसे पहुंची? मैंने उनके कहने पर इसकी अच्छी परवरिश के लिए इसे शांति देवी बाल निकेतन में दाखिल कर दिया। कहीं इसके वजह से दुनिया वाले उन पर कोई दाग न लगाए, क्योंकि तब तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी और उनके आगे एक लंबी जिंदगी थी जीने के लिए। और जिसको उन्होंने जिंदगी दी, क्या उसके लिए उनका कोई फर्ज नहीं था? अगर नहीं था तो मुझे जन्म देते मार क्यों नहीं दिया? बताइए, क्या कसूर था मेरा? क्या कसूर था मेरा जो हर कोई रद्दी का कागज समझ कर मुझे एक दूसरे के हवाले करता रहा? उन्होंने मुझे जिंदगी तो दी मगर जीने का अधिकार नहीं दिया, जीने का अधिकार नहीं दिया मुझे।
लड़ने के बजाय इस जमाने से जंग करो जिसे तुम्हें इस दलदल में डाला है। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ इस जंग में, मैं तुम्हारी खुशियां वापस ला कर दूंगा लैला। अच्छा, इतना बड़ा एहसान करोगे मुझ पे, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकती हूं? मुझे उस खुदकर जन्म देने वाली मां को जिसने मुझे इस गंदे माहौल में लाके फेंका है, जहां जिस्म के अक्षरों से जिंदगी की भाषा पढ़ी जाती है, किसी भी तरह जमाने के सामने लाकर खड़ा करना है और किसी भी कीमत पर मुझे जंग जीतनी है। करण, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, वो सब कुछ जो आज तक मैंने नहीं किया। आओ करण, तुम्हारा जो भी जी चाहे कर लो मेरे साथ। मैं जब भी तुमसे मिला, तुम्हारी हर अदा में मैंने अजमत देखी, तुम्हारे हर अंदाज में मैंने पाकीज़गी पाई, तुम्हारे मुंह से निकले हर गंदे जुमले में पवित्रता की खुशबू थी। तुम्हारी हर अदा, तुम्हारा हर अंदाज, हर जुमला मेरे दिल में घर करता गया और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। लेकिन आज जो हरकत तुमने की है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी महानता है या खुदगर्जी, लेकिन मेरे प्यार का बहुत बड़ा अपमान है। मुझे माफ कर दो करण, मैं टूट गई थी, मैं हार गई थी करण, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अकेली नहीं हूं। मेरा करण मेरे साथ है, मेरा करण। हाँ लैला, मैं तुम्हारे साथ हूं।
तुम जाओ, कैमरे की तैयारी करो। करण, रेस में दौड़ते वक्त खिलाड़ी के पांव जितनी तेजी से उठते और गिरते हैं, उतनी ही तेजी से नाचते वक्त किसी तवायफ के पांव उठते और गिरते हैं। स्पीड बराबर होती है, पर खिलाड़ी अपनी रेस जीत लेता है और तवायफ नाचते नाचते एक ही जगह पर अपना दम तोड़ देती है। तुम्हें जिंदगी में एक रेस जीतनी है, इसलिए रेस जीतने वालों के साथ रहा करो और इन छोटी मोटी बातों में अपना वक्त बर्बाद मत करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शर्मा जी, यह है मेरा बेटा करण। आइए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए सर, इस तरफ। कम। और ये है हमारा पैकिंग डिपार्टमेंट, यहां से सारा माल गोदामों में जाता है। ये फैक्ट्री जो तुमने देखी है, इस पर मैंने 10 करोड़ रुपया खर्चा है। एब्सोल्युटली स्टेट ऑफ द आर्ट। सारी मशीनरी इंपोर्ट की गई है और यहां बढ़िया से बढ़िया लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाए जाते हैं, जिसके लिए हमारी कंपनी मशहूर है। कल तक इस फैक्ट्री का केयरटेकर मैं था, आज से तुम ही इस फैक्ट्री के मालिक हो। थैंक यू। और हमारे होटल के भी। बेटा, बस अब तुम ही ये कारोबार संभालो। हाँ डैड, लेकिन मैं सोच रहा था इतनी जल्दी आप। मैंने तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें जोड़ रखी हैं। हमारी फैक्ट्री और होटल को कितना आगे बढ़ा सको, ये सब तुम्हारे हाथ में है। मुझे मालूम है डैड। राय साहब, एक बहुत बुरी खबर है। क्यों, क्या बात है अंकल? करण, हमारी कंपनी ऐसी दवाएं बनाती है जिससे अपाहिजों का इलाज होता है। पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई कि 50 आदमी हमारी दवाएं खाकर अस्पताल में बेहोश पड़े हुए हैं। कभी कभी दवाएं भी रिएक्ट कर जाती हैं। बिजनेस में ऐसे मामले अक्सर होते हैं। मामला मिनिस्ट्री लेवल तक पहुंच गया है राय साहब। खबर मिली है कि हमारा करोड़ों का माल जब्त हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि एनुअल मीटिंग में हमारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, हमें फैक्ट्री बंद करनी पड़े और इसका बहुत बुरा असर हमारी होटल बिजनेस पर भी पड़ सकता है। ये सब दुश्मनों की चाल है। वो तो चाहेंगे कि हमारी फैक्ट्री बंद हो ताकि उनका फायदा हो। मुझे भी ऐसे ही लगता है। खैर, घबराने की कोई बात नहीं। मिनिस्ट्री की एनुअल मीटिंग में कुछ देर है। आजकल कौन है मिनिस्टर उस डिपार्टमेंट का? लैला, 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 तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूं। करण, तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। मैंने तुम्हारी पिता की आंखों में झांका है, उनमें मेरे लिए सिवाय नफरत की और कुछ भी नहीं है। तुम मुझे मिले तो ऐसा लगा कि कोई मेरा भी आशना है, लेकिन नहीं, ये तुम्हारे पिता को कभी मंजूर नहीं होगा। मैं तो हूं ही बदकिस्मत, नहीं तो क्या मेरे माता पिता मुझे इस भरी दुनिया में भटकने के लिए अकेला छोड़ देते? मुझे जाने दो प्लीज। लैला, thank you।
सदते जाऊं, मैं हूं तेरे साथ में, के दे दे तू इन हाथों को सनम मेरे हाथ में, तेरे गम के सदते जाऊं, मैं हूं तेरे साथ में, के दे दे तू इन हाथों को सनम मेरे हाथ में, तुझे फिक्र क्यों है जानम, तुझे फिक्र क्यों है जानम, अरे मैं हूं तेरा हमदम, के अब तो ये गम तेरा मेरा गम है, जाने जा दिल आशना है, जिगर में उतार लूं, जरा तू जो हंस के देखे ये रास्ते सवार दूं, इधर आ मैं तेरे आंसू जिगर में उतार लूं, जरा तू जो हंस के देखे ये रास्ते सवार दूं, तेरा हम सफर मेरा तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। क्या? तुम्हारी तीनों माओं का पता चल गया है। सच? पहले मैं बिस्किट खा लूं फिर बताता हूँ। जल्दी बताओ। बखा देव, वो आजकल हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर बन चुकी हैं। सलमा जी उसी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं जहाँ वो पहले पढ़ा करती थी, और हाल ही में चाइल्ड साइकोलॉजी पर एक किताब लिखने की वजह से उन्हें बहुत शोहरत भी मिली। और फिर राजीव, वो आजकल रेस के घोड़ों की ब्रीडिंग करती हैं। और एक बात और, वो तीनों अब सहेलियां नहीं रही और कई सालों से एक दूसरे से मिली भी नहीं। फिर तो उन्हें इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ मुझसे एक फायदा करो। देखो, तुम पहली बार अपनी माओ से मिलने वाली है, और मैं ये भी जानता हूं कि करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जहां तक हो सके अपने जज्बात पर काबू रखना। पता करो। मे वी कम इन मैम? कम इन। गुड मॉर्निंग मैम, मैं करण, भारत टुडे का रिपोर्टर। आपसे पॉइंट मैंने लिया था मैम, और ये मेरे कोलीग्स लैला और चंदू फोटोग्राफर। हेलो, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। बैठिए। थैंक यू मैम। बड़े बड़े आओ। क्या सवाल करना चाहते हैं आप? पहले तो आपने चाइल्ड साइकोलॉजी पे इतनी अच्छी किताब लिखी, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। पढ़ी आपने? अगर इसके पढ़ने से एक माँ अपने बच्चों को ज्यादा प्यार और तवज्जो दे, तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत बेकार नहीं थी। वेरी गुड मैडम। अपने कामकाज और हॉबी से क्या आपको अपने बच्चों के लिए फुर्सत मिल जाती है? फुर्सत मिलती नहीं, निकालनी पड़ती है।
खिलौनों और तोहफों की बच्चों को इतनी भूख नहीं होती जितने माँ बाप के प्यार की। अल्लाह के फजल से मेरे बच्चे माँ बाप के प्यार से मालामाल है। ये बात आप अपनी तरफ से कर रही हैं या अपने बच्चों की तरफ से? दोनों की तरफ से। गुड गुड। आपका उन बच्चों के बारे में क्या ख्याल है जो जवानी की भूल का नतीजा होते हैं? मतलब? मेरा मतलब है शादी के पहले के प्यार का नतीजा। मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर भूल माँ की है तो उसकी सजा माँ को ही मिलनी चाहिए, बच्चों को नहीं। बच्चे को उसका जायज हक मिलना ही चाहिए, चाहे उसके लिए उसे दुनिया भर से टकराना पड़े। अच्छा, आप सही कह रही हैं। वैसे आप इसी कॉलेज से पढ़ी है ना? जी हाँ। 1973-74 बैच। हाँ, क्यों? सुना है उस बैच की स्टूडेंट्स बहुत ही आजाद ख्याल की थी। आजकल की लड़कियां तो क्या गुल खिलाएंगी जो गुल उस जमाने की लड़कियों ने खिलाए। शैंपेन पीना, हॉर्स राइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, प्यार, मोहब्बत। अरे, इस पर तो मैगजीन के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल बन जाएगा। इंडियन वुमेन, देन एंड नाउ। आर्टिकल तो बन सकता है, लेकिन इससे सोसाइटी में बहुत बड़ा स्कैंडल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब उनमें से कुछ लड़कियां बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पे पहुंच गई है ना। सुनिए, मुझे और भी बहुत काम है। If you don't mind. No, no, madam, we don't mind. We are sorry, आपका इतना वक्त जाया किया। मैडम, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। वो क्या है कि हमारी मैगजीन चाइल्ड साइकोलॉजी पर एक सेमिनार कर रही है इसी महीने की 25 तारीख को, और हम लोगों को बहुत खुशी होगी अगर आप वहाँ पर तशरीफ लाए। प्लीज जरूर आइएगा। जी गॉड, थैंक यू मैडम, सॉरी, लेट्स गो। चलिए, अब मैं हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर बरखा देवी से प्रार्थना करूंगा कि अब वो इस आराम घर के उद्घाटन की खुशी के मौके पर कुछ शब्द कहें। मैं रामपुर के वासियों को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इन बेसहारा बच्चों के बारे में सोचा, इन बेघरों के लिए एक घर बनाया। लाखों बच्चे इस देश में बेघर हैं, बेसहारा हैं, ये अनाथ अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरस रहे हैं। मैं कहती हूँ कि अगर हम अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते, उन्हें पाल नहीं सकते, तो हमें उन्हें पैदा करने का कोई हक नहीं है। मेरा बस चले तो मैं हजारों यतीमों को अपना लूँ। मैं आप सबको अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से पूरा यकीन दिलाती हूँ कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद। एक्सक्यूज मी मैम, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, आओ। नमस्ते बरखा देवी, मैं बेसहारा बच्चों के आराम घर के लिए 1,00,000 रुपए का चेक पेश करना चाहता हूँ। थैंक यू। आइए मैडम, आइए। एक्सक्यूज मी मैडम, ये इनविटेशन कार्ड है हमारी मैगजीन के सिल्वर जुबली फंक्शन का। अगर आप आएंगे तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझेंगे। कोशिश करूंगी। थैंक यू। अरे मेरे राजा बेटा, रेस जीता। अरे हाँ, चलो। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। राजा, इतना प्यार एक घोड़े से? इतना प्यार तो कोई माँ भी अपनी औलाद से नहीं करती होगी मैडम। ये कोई मामूली घोड़ा नहीं है, रेस का घोड़ा है। प्रिंस अब्दुल्ला इसका बाप और सिंड्रेला इसकी माँ है। इसकी बहन थंडरबर्ड इस साल की डार्बी भी जीत चुकी है। एक्चुअली मैडम, हम आपको इसी सिलसिले में इनवाइट करने आए थे। जिस थंडरबर्ड की आप बात कर रही है ना, कल होटल रिट्ज़ इंटरनेशनल में उसका ऑक्शन होने वाला है। अच्छा, उसके लिए तो मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। अगर खरीदने का इरादा हो तो बोली यहाँ नहीं, होटल में चलकर लगाइए। शाम को 8:30 बजे आएंगे ना?
मुझे बुला गया था कि किसी मैगजीन का सिल्वर जुबली फंक्शन है जी। मुझसे कहा गया था कि चाइल्ड साइकोलॉजी का सेमिनार है और मुझसे कहा गया था कि यहां डार्बी के घोड़ों का ऑक्शन है। हम तीनों को एक जगह बुलाने का मतलब कौन है ये और क्या चाहती है हमसे? बरखा देवी, हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर, मिसेस सलमा अकरम बेग, प्रिंसिपल ऑफ सेंट ट्रीजाज वुमेन्स कॉलेज, प्रिंसेस राजलक्ष्मी अर्जुन सिंह, आप मेरे इस गरीब खाने में तशरीफ लाई हैं, मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। आप तीनों को इकट्ठा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप लोगों को भी खुशी हो रही होगी, एक दूसरे से बहुत सालों के बाद मिली है ना? अरे क्या बात है, मैंने इतना बड़ा काम किया, इनाम ना सही, कम से कम शुक्रिया तो अदा कीजिए। हमें इस घटिया जगह पे बुलाने का मतलब अपना नाच दिखाने के लिए, कैसा लगा? बहुत गंदा भैया। तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आ रही थी? मुझे तो देखते हुए शर्म आ रही थी। ऐसा नाच तो कोई आवारा लड़की ही कर सकती है। आप ठीक कहती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई है
जहाँ मुझे बचपन से सिर्फ यही सिखाया गया है कि हवस के मारे मर्दों की प्यास बुझाऊं और अपने जिस्म की नुमाइश करके उनका जी बहलाऊं। अपने शौक को मजबूरी करना मत दो। यकीन कीजिए, आपने तो चाइल्ड साइकोलॉजी पर किताब लिखी है ना। अपने माँ बाप की मोहब्बत से महरूम लड़की जब बाजार की रौनक बनेगी तो वो वही करेगी ना जो मैं कर रही हूँ। तुम बाजार में रखा हुआ मर्दों का गंदा खिलौना हो, ये तुम खुद मानती हो, फिर भला हम जैसी औरतों को तुमसे क्या दिलचस्पी हो सकती है? क्यों, आप जैसी औरतों को सिर्फ घोड़ों की नस्ल में दिलचस्पी है, इंसानों की नहीं। मेरा वक्त बहुत कीमती है, जो भी कहना चाहती हो जल्दी कहो। मालूम है, मैं जो कहने जा रही हूँ वो भी बहुत कीमती है। आप तो अपने भाषण में हजारों यतीमों को अपनाने की बात करती हैं। मैं भी यतीम हूँ, मुझसे मेरी माँ बिछड़ गई है, मिलवा दीजिए ना। मैं पूछती हूँ, अगर तुम्हारी कहानी सच्ची भी है तो भी इसे सुनाने के लिए तुमने हम तीनों को ही क्यों चुना? इसलिए कि आप तीनों का मेरी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है। पेट को पालने के लिए अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली तेरा और हमारा क्या ताल्लुक हो सकता है? तो सुनिए, आप तीनों महान हस्तियों में से एक मेरी माँ है। तुम अपनी औकात से आगे बढ़ रही हो, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमें अपनी माँ कहो? तुम हमें ब्लैकमेल करना चाहती हो। मैं और अपनी माँ को ब्लैकमेल करूं? नहीं, मैं जानती हूँ आप लोगों का समाज में बहुत बड़ा मकाम है, घर, गृहस्थी, बच्चे, दौलत, शोहरत। मैं जानना चाहती हूँ तो सिर्फ इतना कि आप तीनों में वो कौन है जिसने जवानी में हवस के गुल खिलाए और जिसका जीता जागता नतीजा मैं आपके सामने खड़ी हूँ। ये लड़की या तो पागल है या बहुत चालाक। मर्दों को लूटते लूटते शायद इसने औरतों को लूटने का तरीका भी सीख लिया है। बहुत देर हो चुकी है, मैं चलती हूँ, एक जरूरी मीटिंग पर जाना है। रुकिए, आप इस लॉकेट को पहचानती हैं? सहेलियों की दोस्ती की निशानी SRB, सलमा, राज, परखा, जिन्होंने अपना कोई भी राज एक दूसरे से कभी राज नहीं रखा, यहां तक कि मोहब्बत का रंगीन खेल खेलते खेलते उनमें से एक मां बन गई। तब तीनों ने मिलकर गोल्डन वैली फार्म किराए पर लिया और दुनिया की नजरों से छुपकर एक लड़की को जन्म दिया। उनके इस पाप में डॉक्टर पटवर्धन ने भी उनकी मदद की, बच्ची को रजा के हवाले करके वो चलती बनी फिर कभी ना लौट कर आने के लिए। अब आप पहचानती हैं इस लॉकेट को? हाँ, ये वही लॉकेट है जो आपने इस मासूम बच्ची के गले में डाला था। मेरे गले में डाला था। पहचानिए इस लॉकेट को। नहीं पहचाना ना, चले जाइए यहां से। आप में से कोई भी मेरी मां कहलाने के लायक नहीं है। मैं जिस कीचड़ में पलती आई हूं ना, अपनी बाकी जिंदगी भी वही काट लूंगी। चले जाइए यहां से। हाई सोसाइटी वुमेन ठुकरा कर चली गई ना। अरे, इन लोगों के सीने में मां का दिल नहीं है, पत्थर है, पत्थर। और वैसे भी लैला, प्यार भीख से नहीं मिलता। अरे, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें मां की जरूरत ही क्या है, और वो भी ऐसी मां हो कि इन लोगों के लिए तुम मर चुकी हो, और आज के बाद
तुम भी इन लोगों को भुला दो। कर रहे हैं और उसके बाद हम इसे जिसकी भी पहली शादी होगी वो इसे अपनाएगी, वो इसे अपनी बेटी बनाकर पालेगी। अल्लाह हमें इतनी हिम्मत दे कि हम सितारा की जुदाई बर्दाश्त कर सके। महान हस्तियों में से एक मेरी माँ है, आप पहचानती हैं इस लोकेशन को? तीनों महान हस्तियों में से एक मेरी माँ है, आप पहचानती हैं इस लोकेशन को? एक मेरी माँ है, आप तीनों महान हस्तियों में से एक मेरी माँ है, आप तीनों महान हस्तियों। जाने क्या बादलों के दरमियान साजिश हुई, उसका घर मिट्टी का था, उसके ही घर बारिश हुई। उसकी बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं मैडम, इसलिए कि सबसे पहले शादी आपकी हुई थी। मेरे ससुराल का माहौल ऐसा था कि मैं उनसे कुछ कह नहीं सकी। बच्चों के लिए किताबें लिखना बहुत आसान है, मगर उनके लिए लोरियां गाना बहुत मुश्किल है। ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाइए। बताइए, सितारों को ढूंढने के लिए आप दोनों ने क्या किया? आप तो बस घोड़ों की नस्लों की जानकारी हासिल करती रही। Shut up! राज, मैं भी चिल्ला सकती। अरे तुम क्या चिल्लाओगी, तुम तो शुरू से ही बस रोमांटिक रही हो। तुम्हें अक्रमिया मिल गए तो बस तुम्हें सब कुछ मिल गया, उसके बाद तुम्हें सितारा की कभी याद आई होगी? अरे ये सवाल उनसे क्यों नहीं करती? मंत्री जी से डर लगता है क्या? मैंने सितारा को तुम लोगों से ज्यादा ढूंढा है। बोलने का क्या है, कुछ भी बोल सकती हो। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बोल भी सकती हो, झूठ बोलना तो तुम नेताओं की आदत है।
झूठ का भी राजनीति में एक खास मकाम है। फिर मकाम? पिछड़ कर मिलने का भी दोस्ती में खास मकाम है। सितारा भी तो बिछाड़ कर हमको मिली है। हमने पहले भी कुछ वादे किए थे, आज हम फिर से एक वादा करते हैं, मगर इस इरादे के साथ कि हम इसे पूरा करेंगे। सितारा हमारी है और हम वादा करते हैं कि हम उसे उसका अधिकार दिलाकर रहेंगे। कब बुलाएंगे भाई? अभी बुलाते हैं। अभी बुलाते हैं। कहाँ थे आप लोग? कब से इंतजार कर रहे हैं? नमस्ते। बैठिए। जितना बड़ा आदमी उतना ही लंबा इंतजार। यहाँ की रीत लगती है। मिस्टर दिग्विजय सिंह, मिनिस्टर साहिबा ने आपको बुलाया है। एक्सक्यूज मी, सिर्फ आप। देखिए मेरे पास वक्त बहुत कम है, आप जो भी कहना चाहते हैं जल्दी कहिए। मैडम, आपके डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने मेरी फैक्ट्री का लाइसेंस आपकी फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, क्योंकि आपकी कंपनी की बनाई गई दवाइयां सब स्टैंडर्ड थी। मिनिस्टर साहिबा, जरूर कोई गलती हुई होगी, मुझे एक और मौका दीजिए ना। मैं पार्टी के इलेक्शन फंड के लिए ये 10 लाख का चेक लाया हूं, लीजिए ना। You may go. Satyakar. Wow. Ladka ladki honeymoon mana rahe hain. जवानी में तो इश्क सभी करते हैं, आपने भी किया होगा, लेकिन इतनी गिरी पड़ी लड़की के साथ अच्छा नहीं लग रहा। आपने मुझे बुलाया डैड? करण, मैं तुम्हें जितना ऊपर उठाने की कोशिश करता हूं उतना ही तुम दलदल में धंसते जा रहे हो। क्यों डैड? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आप पर हरफ आए। लैला एक कैबरे डांसर है, अय्याशी की चीज है। होटल के किसी कमरे में तुम उसे अपनी बिस्तर की जीनत बना लो, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन इस तरह पब्लिक में बाहों में बाहें डालकर घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। Excuse me, Dad. आप मेरे बाप हैं, लेकिन शायद ऐसी शर्मनाक बात किसी बाप ने अपने बेटे से की हो। पहले तो आपने ही अपने होटल में उसे कैबरे डांसर बनाया और फिर कहते हैं कि वो यशी की चीज है। नहीं डैड, पहला कोई चीज नहीं है, वो एक जीती जाती लड़की है। तो मैं उसका सहारा बनूंगा, शादी करूंगा उससे। हरगिज नहीं, एक कैबरे डांसर इस घर की बहू नहीं बन सकती है। ठीक है, तो फिर आपको मुझे अपने खानदान से खारिज करना होगा। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ, सोच समझ कर। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? सिर्फ ये बात नहीं मानूंगा। ये फाइल देखते हो? जी, क्या है इसमें? तुम्हारे बाप की फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, दिल्ली में बचाव की एक और कोशिश की जा सकती है, इसलिए इस फाइल के साथ आज रात तुम दिल्ली जाओगे। लेकिन क्या तुम अपने बाप के लिए इतना नहीं कर सकते? जी। आपने मुझे बुलाया सर? होटल के ग्राहकों का दिल बहलाते बहलाते तुम मेरे ही बेटे के दिल पर कब्जा कर बैठी, उससे शादी करने के सपने देखने लगी। वो जवान है,
बेवकूफ है, लेकिन मैं तुम जैसी बाजारी लड़कियों को अच्छी तरह पहचानता हूं। अगर तुम्हारी नजर दौलत पर है मिल जाएगी, लेकिन याद रहे एक कैबरे डांसर राय बहादुर दिग्विजय सिंह की बहू कभी नहीं बन सकती। राय साहब को तुम जैसी हसीन और जवान लड़की से बात करने का तरीका ही नहीं आता। अरे उनकी नौकरी को गोली मारो और मेरे साथ हांगकांग चलो, वहां मेरा 5-star होटल है, तुम्हें शहजादियों की तरह रखूंगा और फूलों की तरह पेश आऊंगा। अंकल इस वक्त मैं बहुत अपसेट हूँ। क्या कहा अंकल? लगता है वाकई अपसेट हो, बाद में बात करूंगा। सर लैला आज भी कैमरे करने को तैयार नहीं, आज ये 3rd दिन है जब वो इनकार कर रही है। उसे क्या मैं मुफ्त की तनख्वाह दे रहा हूँ? ठीक है, आज इस होटल में ये उसका आखिरी दिन भी है, निकाल दो उसे। ऐसी सुनसान जगह पर इतनी रात को कोई अकेला निकलता है? कोई अक्कल वक्ल है कि नहीं? अरे इस तरह क्या देख रही हो? क्यों मेरे डांटना बुरा लगा ना? नहीं अच्छा लगा, इतने अधिकार से आज तक किसी ने नहीं डांटा मुझे। चलो गाड़ी में बैठो, तुम्हें जाना कहाँ है? किसी भी सड़क पे। किसी भी सड़क पर? मैंने पूछा तुम्हें जाना कहाँ है? मालूम नहीं। तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? वो नहीं है। इसका मतलब वो? नहीं नहीं मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। चलो। जी लेकिन देखो तुम्हें अधिकार जताना अच्छा लगता है ना, वही अधिकार जता रहा हूं मैं। थोड़ी देर में सूरज निकलने वाला है, आओ। गुड मॉर्निंग राज। ऐसे क्या देख रही हो? मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूं, अपनों के होते हुए बिचारी अकेली है। अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहां बहुत लाचार है बिचारी, इसने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। ये कुछ दिन हमारे साथ रहेगी, थकी हुई है, तुम इसका ध्यान रखो, मैं भी आया। जी घबराइए नहीं, मैं आपके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। जो अधिकार आप मुझे खुशी से नहीं देना चाहती उसे मैं जबरदस्ती नहीं छीनूंगी। सितारा
जी लैला, आज दिवाली है और आज के दिन हमारे घर में जश्न मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन हमारे घर की औरतें इस रंग का पोशाक पहनती हैं। लो तैयार हो जाओ। घर की औरतें? मेहमान भी तो अपने ही होते हैं। दोस्तों, अब इस खुशी के मौके पर जनाब पंकज उदास हमें एक गीत सुनाएंगे। इस मौके पर जनाब साहिर का एक बहुत ही मशहूर शेर मुझे याद आ गया कि हम गमजदा हैं, गाएं कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। वाह, बहुत खूब। हम भी सुने के खुशी और गम का मिला जुला नशा कैसा होता है। ये आरज़ू थी कि हंस कर कोई मिला होता, कहीं तो हमसे किसी का दिल आशना होता। उदास कर
पीने के लिए मुस्कुराना ही पड़ेगा तुझे जीने के लिए। आओ, अरे आओ भी, कम ऑन। अर्जुन सिंह जी, आपकी महफिलों में तो हमेशा शरीफ और इज्जतदार लोग शिरकत करते आए हैं, लेकिन आज आज की महफिल में भी आप जैसे शरीफ और इज्जतदार लोग आए हैं। मेरा इशारा औरतों की तरफ है, औरतें भी शरीफ घरानों की आई हैं। शरीफों का लिबास पहनने से आवार की शराफत नहीं बन जाती। देखिए, आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। आई एम सॉरी मिस्टर अर्जुन, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, होटलों में नाच करने वाली ये लड़की हमारे घराने की औरतों में क्या कर रही है? मैं भी जानना चाहूंगा। हालात की मजबूरी से अगर इंसान कीचड़ में गिर जाए तो उसका खून गंदा नहीं हो जाता। यह आपका वहम है या यकीन? मैं अर्जुन सिंह, यह मेरा यकीन है। राज मेरी पत्नी है, यह मेरा यकीन है। लैला शरीफ मां बाप की बेटी है, यह भी मेरा यकीन है। तो फिर आपको यह भी मालूम होगा कि इसके मां बाप कौन है? आप नहीं जानते तो जाने दीजिए, ये लड़की तो जानती होगी कि इसके माँ बाप कौन है। अरे साहब, जो लड़की कोठों पर पली हो, होटलों में नाच करती हो, उसका इस हवेली में क्या काम? देखिए, ये मेरी मौजूद मेहमान है। हमारे घरों में मेहमानों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, तो फिर हम लोग यहां क्या कर रहे हैं? हमें आज्ञा दीजिए। आओ भाई, चलो चलो साहिबान, इस महफिल में हमारी कोई जगह नहीं है। चलो भाई, इसको लेकर कौन आया है यार? इस मगर हमें अपनी बेइज्जती करानी है? बिल्कुल नहीं, चलो चलो चलो। रुकिए, आपका मेरे खून के बारे में क्या ख्याल है? बरखा देवी जी, हम सात नस्लों से आपकी चौखट पर सजदा करते आ रहे हैं, आपके बारे में भला? इस लड़की की रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। बता।
लैला मेरी बेटी है। परखा देवी, जज्बात की रो में बहकर शायद आप कुछ गलत कह रही हैं। आप शायद ये कहना चाहती हैं कि आप इस लड़की को गोद ले रही हैं? जी नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लैला मेरी बेटी है, इसे मैंने जन्म दिया है। परखा देवी, आप जानती हैं कि आपके इस बयान से आपकी पार्टी और सरकार पर क्या असर पड़ सकता है? मैं अभी और इसी वक्त पार्टी और सरकार से इस्तीफा दे रही हूँ। वाह परखा देवी जी वाह, आप तो बहुत ऊंची हस्ती निकली। हम सबके सामने कबूल कर लिया कि आपकी बेटी है। अगर जहमत ना हो तो ये भी बता दें कि इस बच्ची का खुशनसीब बाप कौन है, क्योंकि दुनिया वाले सिर्फ यही जानते हैं कि आपने आज तक शादी नहीं की। पब्लिक फिगर होने के नाते मैं आज तक आपके हर सवाल का जवाब देती आई हूं, लेकिन आज के बाद किसी को कोई हक नहीं बनता कि मुझे कोई सवाल करे। अगर हक बनता है तो सिर्फ लैला का। जल्द से जल्द आओ बेटी आओ। ये तेरे नाना नानी का घर है, 18 साल से बन पड़ा था। ओफो, क्या हालत हो गई है, मुझे तो वक्त ही नहीं मिला यहां आने का। जाकर दिल को राहत मिली है, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तू 6 महीने की थी जब हमने तुझे रजिया के हवाले किया था और उसे कहा था कि तुझे शांति निकेतन में रखे। सलवार आज और मैं तरस जाते थे तुझे देखने के लिए, तब रजिया तुझे छुपा कर ले आती थी हमसे मिलाने। तू 3 साल की होने वाली थी, एक दिन मैं तुझसे मिलने आई तो मुझसे कहा गया कि तू खो गई है, मेरी सितारा खो गई है। तुझे ढूंढने के लिए हमने जमीन आसमान एक कर दिया, तू नहीं मिली। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे शरीर का एक अंग टूट गया हो। मैं हार गई, टूट गई, मरी जाती। लेकिन एक हल्की सी उम्मीद थी कि तू मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी। मां, आज आज मेरी सितारा मुझे मिल गई है। सितारा, मुझे माफ कर देगी ना? माँ, तुमने आज का पेपर पढ़ा? लैला मिनिस्टर साहिबा बरखा की अपनी नाजायज बेटी है।
यह बात उसने मान ली? जबकि इसकी वजह से उनकी कुर्सी भी छीनी जा सकती है। कसम से भाई, बड़ी बोल्ड औरत है। नहीं, बल्कि बहुत कमजोर मां है जो बेटी के आंसुओं से टूट गई। एक मिनिस्टर से बदला लेना बहुत मुश्किल होता है, पर एक मां से हम बहुत आसानी से इंतकाम ले सकते हैं। अरे आप फिक्र क्यों कर रहे हैं राय साहब, ये इंतकाम का डिपार्टमेंट मेरा है, मैं संभालूंगा। मैं बड़े काम की चीज हूं। करण, मैं लैला बोल रही हूँ। अरे लैला कहाँ हो तुम? मैं जब से आया हूँ तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। जानते हो करण, मुझे मुझे मेरी माँ मिल गई है। मेरी माँ करण? क्या, माँ मिल गई? कौन है वो? मेरी माँ, मेरी माँ बरखा देवी है। बरखा देवी? उन्होंने मुझे सबके सामने स्वीकार कर लिया। तुम यहाँ जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। करण जल्दी आओ। ओके बाय। सितारा? हाँ माँ। मैं जरा दफ्तर होकर आती हूँ। माँ मुझे मेरे पापा के बारे में कुछ बताओ ना। क्या देख रही है? मैं और तुम्हारे पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुनील के साथ जीवन बिताने के लिए न जाने मैंने क्या क्या सोच रखा था, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर हमें झगड़ा हो जाता। एक दिन हम अर्जुन सिंह की पार्टी से लौट रहे थे, उस शाम उसने मुझे ऐसी बात सुनाई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं कुछ सालों के लिए अमेरिका ट्रेनिंग में जा रहा हूं। Really? तो फिर हम शादी करके इकट्ठे चलेंगे। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि रूल्स इसकी इजाजत नहीं देते। सुनील, तो मेरा क्या होगा? तुम्हें इंतजार करना होगा। Are you mad, सुनील? मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हम दोनों शादी करके अमेरिका क्यों नहीं जा सकते? तुम तो शर्त लगा रही हो। बरखा, शर्तों पर प्यार नहीं होता। सुनील, तुम्हें सिर्फ अपने करियर से प्यार है, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे करियर के लिए मैं अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दूं? You're a selfish man. Oh shit! तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? I love you very, very much. पर मेरी भी कोई मजबूरी है। मुझे तुम्हारी कोई मजबूरी वजबूरी नहीं सुननी। तुम अमेरिका जाना चाहते हो, जाओ, चले जाओ अमेरिका। मुझे अपने हाथ पर छोड़ो। बरखा मेरी बात तो सुनो। सुनील, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है। आज मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। चले जाओ अमेरिका। Just leave me alone. Leave me alone. उस दिन के बाद मैंने उससे मिलने की कोशिश नहीं की। थोड़े ही दिनों के बाद वो अमेरिका चला गया। एक दिन मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं अपने होशोहवास खो बैठी। ऐसे में राज और सलमा ने मेरा साथ दिया। सुनील कहाँ गया, किस हाल में है, मुझे आज तक पता नहीं चला। सितारा, मेरी जिंदगी बहुत उलझी हुई है, लेकिन उम्मीद है तेरे हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। अरे वाह, अकेली ही बेटी के प्यार पर हक जता रही है, हम भी अपना हिस्सा लेने आए हैं। यादों का इंसान की जिंदगी में एक खास मकाम है। आज बीते हुए दिनों को याद करके कितना मजा आएगा। पहले तो हम तीन सहेलियां थी, आज हमें हमारी चौथी सहेली भी मिल गई। बातें करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, और बस पता भी नहीं चलेगा कि सुबह दोपहर शाम कब कट गई, है ना? तुम अपनी नई सहेली से बातों का सिलसिला शुरू करो। मैं दफ्तर जाकर इस्तीफा देकर आती हूँ। जल्दी। अच्छा, रसगुल्ले लाना मत भूलना। हाँ हाँ ले आऊंगी। अरे सुनो, बरखा कहने से पहले किचन का सामान तैयार करते हैं। चलो चलो। लगा, अच्छा लगा। लगा, ये भी अच्छा लगा। पकड़ो। ये भी अच्छा लगा। रुक जाओ।
ये अच्छा नहीं लगा। अगर ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो भेजा उड़ा दूंगा, समझी? चुपचाप हमारे साथ चलो, ले चलो। बचाओ, छोड़ दो मुझे, बचाओ। सितारा, आप सलमा, रामू काका, क्या हुआ रामू काका? बरखा बेटी, कुछ गुंडे सितारा और आपकी सहेलियों को उठाकर ले गए। क्या? हेलो, अर्जुन सिंह है? हेलो, मैं बरखा बोल रही हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। तो आप आ जाइए फौरन। सितारा किडनैप हो गई है। क्या? वो यार लैला, राजीव और सलमा जी को कुछ गुंडे जबरदस्ती उठा के ले जा रहे थे। क्या? और साथ में अंकल गोवर्धन दास भी थे। यार मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। गोवर्धन दास? हाँ हाँ, बिजनेस में तो होता ही है। डैड, मैं बाद में फोन करता हूँ। लैला किडनैप हो गई है डैड। किसने किया? आपने। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूं डैड। गोवर्धन दास आपकी शतरंज का एक मोहरा है जो आपकी मर्जी के बिना एक कदम तक नहीं उठा सकता, इसलिए उसने ये सब आपके इशारे से किया है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। एक कैबरे डांसर के इश्क में तुम इतने पागल हो गए हो कि तुम अपने बाप से बात करने का तरीका भूल गए हो। और अगर मुझे लैला नहीं मिली तो मैं जीने का तरीका भी भूल जाऊंगा डैड। यू टेल मी, आप बताइए ना मुझे, अब क्या कमी है उसमें? अब तो वो एक मिनिस्टर की बेटी है, आपकी तरह खानदानी है, और अब तो वो राय बहादुर दिग्विजय सिंह की बहू बन सकती है। क्यों? ये ठीक ही तो कह रहा है। मैं उसे इस घर की बहू बना लूं जिसने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है। मैं उसे इस घर की बहू बना लूं जिसकी मां ने मेरा बिजनेस बर्बाद कर दिया है। हरगिज नहीं। तुम जीते जी ये ख्वाब कभी पूरा नहीं कर सकते। और मैं मरते मरते भी अपना ये ख्वाब पूरा करूंगा राय साहब। करण, करण। सितारा के साथ साथ सलमा और राज की जान भी खतरे में है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पुलिस को फोन करें? नहीं नहीं, पुलिस को फोन करने से बात और बिगड़ जाएगी। आई हैव एन आइडिया। कमांडो हेडक्वार्टर्स? यस। ओ, यू डोंट वरी, इट विल बी डन। करण बोले, तू यहीं रुक। हाँ। लगा, अच्छा लगा। अरे गोवर्धन दास ने तुम्हें पैसे किस लिए दिए? ये हमारी आपस की बात है। चल बे आपस की बात बता। चलना। ये कहाँ गायब हो गया यार? ये तो गया कहाँ? उस तरफ मुड़, उस तरफ, उस तरफ। करण, उसकी बाइक, वो यही कहीं पर है। हाँ चंदू, तू ऐसा कर, हाँ। जाकर बरका जी को बता, मैं उसे यहीं ढूंढता। ओके, जा जल्दी कर। Thank you.
कहाँ का है? पता नहीं, यहीं कहीं होगी। लड़की को फौरन यहां से ले चलो। ठीक है। कहां देवी? सितारा कहां है? मालूम नहीं, कब से ढूंढ रहे हैं। बचाओ! अर्जुन, वो लोग सितारा को ले जा रहे हैं। अर्जुन, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो इस लड़की का भेजा उड़ा दूंगा। ये रही आपकी अमानत। आप लोगों से इस हालात में मुलाकात होगी, सोचा नहीं। ये जिंदगी मिलना बिछड़ना सब लकीरों का खेल है। इश्क के सामने जमाने वाले हारते आए हैं, मेरी हार में कौन सी बड़ी बात है। आओ बेटी। दिल आशना है, जी गए आशना। तुमसे तो हमारी नजर।